चलो यू कैन टेल मी आंसर, आई होप यू हैव नॉट डन टिक मार्क ऑल इन एडवांस। 41 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम GST। सो नंबर वन इज ITC ऑफ मोटर व्हीकल। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर एग्जाम फ्रॉम GST? एडमिशन टू सर्कस वेर एंट्री टिकट कॉस्ट 550 पर पर्सन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस, सर्विस बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एनी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया नॉट आउटसाइड इंडिया, एंड सर्विस बाय फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। क्या लगता है इसमें क्या एग्जाम्प्ट है? चलो वेरी गुड, सो इट इज डी। नेक्स्ट ITC ऑन मोटर व्हीकल इज यूज, ओके ITC ऑन मोटर व्हीकल इज यूज इज अलाउड, इसमें से किसकी ITC मिलेगी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की मिलती है, अभी ये इनपुट टैक्स क्रेडिट चैप्टर का है। टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर की मिलती है, टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ इम्पार्टिंग एंड ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग मिलती है। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली डियर फ्रेंड्स इनपुट टैक्स क्रेडिट का है, ब्लॉक क्रेडिट का। मोस्ट प्रॉब्ली इट इज पेंडिंग, बट इफ यू नो यू कैन शेयर, इफ यू डोंट नो इट इज ओके। क्या लगता है? वन वन एंड टू, टू एंड थ्री, एंड वन टू थ्री, ऑल थ्री, वेरी गुड, यू गेट ऑल थ्री। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। पर्सन एक्सक्लूसिवली एंगेजिंग मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई टैक्स ऑन विच इट इज पेड टू बी बाय रिसिपियंट ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। रिवर्स चार्ज बेसिस वाले को भरना है, 9(3) वाले को कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। पर्सन मेकिंग इंटरेस्टेड सप्लाई ऑफ सर्विस अप टू 20 लैक्स वाले को कंपल्सरी लेना पड़ता है। पर्सन मेकिंग सप्लाई ऑफ सर्विस थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर जिसका टर्नओवर अप टू 20 लाख है उसे लेना पड़ता है, या पर्सन हु इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, इसमें से किसको कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है? कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन यानी पता है ना, एक्चुअली वो इरिस्पेक्टिव ऑफ टर्नओवर है। सो व्हाट विल बी योर आंसर? डी, ओके। ए वाले को जरूरत नहीं, बी वाले को जरूरत नहीं, सी वाले को, ये एल्डो तो ये अमेंडमेंट है लास्ट अटेम्प्ट का कि 20 लैक्स तक सर्विस वाले को उन्होंने एग्जाम किया है। चलो टेल मी व्हाट इज 44। ए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम लायबल, विद इन 60 डेज फ्रॉम लायबल, एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ही बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन। बाकी सबको भी जवाब देना है भाई, सो मच जाओ। ओके करेक्ट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांटेड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन विल बी वैलिड फॉर, हम जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं CTP और NRT को, वो कितने टाइम तक वैलिड होता है? पीरियड जो उसमें लिखा है, या 90 डेज फ्रॉम इफेक्टिव पीरियड, या विचार इज अर्लियर और विचार इज लेटर? गुड क्वेश्चन, टेल मी क्या लगता है? इसके पहले भी आंसर सी था, तो इसका भी आंसर सी है कि वही का वही, मुझे ना आपकी सेकंड्स नहीं दिखती व्हेन यू टाइप, सो यू आर टॉकिंग अबाउट अर्लियर। 45C करेक्ट, ओके 45C, ओके अर्लियर, विचर इज अर्लियर, इट्स अ गुड क्वेश्चन। चलो टाइम ऑफ सप्लाई, वैसे इन केस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी
NBFC invoice shall be issued for the period from days of supply of service. Supply of service में क्या rule होता है पता है? आप उससे पहले भी कर सकते हो, उसके बाद भी कर सकते हो, लेकिन कितना बाद तक चलेगा? 30 days, 45 days, 60 या 90? ये फ्रेंड्स जनरली 30 होता है, बट NBFC के लिए स्पेसिफिकली 45 होता है. ओके, आई होप यू नो दैट. NBFC जनरली विद इन 30 डेज होता है, बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए 45 होता है. करेक्ट. चलो फाइन. 47. व्हेन द गुड्स बीइंग सेंट और टेकन ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न आर रिमूव्ड बिफोर द सप्लाई टेक्स प्लेस, ओके, देन Invoice shall be issued. क्या होता है sale or return में? Before the time of supply, 6 months from the date of removal or which is earlier. Which is earlier. Very good. ये time of supply के questions हैं dear friends. Now 48 in my view it's good point. देखते हैं कैसा याद है आपको. And I am assuming you are not looking at answers. Answers देख के तो फिर कैसे सेट होगा. Invoice shall be prepared in days in case of taxable supply of goods and in days in case of taxable supply of service. तो goods में कितनी कॉपी और service में कितनी? Service में क्यों duplicate? चलो अलग question. Service में क्यों डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट क्यों नहीं? कौन सी एक कॉपी नहीं करते हम? एनीवन, कौन सी कॉपी सर्विस में कम होती है? वेरी गुड. ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता. क्या नहीं होता? ट्रांसपोर्टेशन. ओके, थोड़ा दिमाग भी यूज करना है. 49. विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी डिस्चार्ज फर्स्ट व्हाइल डिस्चार्जिंग द लायबिलिटी ऑफ टैक्सेबल पर्सन. टैक्सेबल पर्सन जब हम टैक्स पे करते हैं तो सबसे पहले हमें कौन सा टैक्स पे करना है? प्रीवियस टैक्स पीरियड पहले भरना है, करंट पहले भरना है, फिर 73-74 यानी मिस्टेक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉड का पहले भरना है. अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया होता कि हमने प्रीवियस टैक्स पीरियड भर दिया है अब क्या भरने का, तो करंट टैक्स आएगा. अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछते हैं कि भाई आपने करंट टैक्स भर दिया है अब क्या भरने का, तो 73 और 74, दैट यू हैव टू रिमेंबर. ओके, चलो 50. द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, बट कौन सा रिटर्न? फाइनल. फाइनल रिटर्न कौन भरता है पहले वो बताओ, फिर IMCQ में जाते हैं. फाइनल रिटर्न भरता कौन है? रजिस्ट्रेशन नहीं किया हम, रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हैं. ओके, वेरी गुड. कैंसिल कर रहे हैं तो कब फाइनल रिटर्न भरना है? 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ भरना है, 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर भरना है, विद इन 3 months ऑफ द डेट ऑफ कैंसलेशन और डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन, विच आर इज लेटर. वेरी गुड. 51. ये थोड़ा सा ऑड क्वेश्चन, थोड़ा सा ऑड, इसको फ्रीज करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा. लेट्स सी. 15. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अंडर GST. ग्रैंड पेरेंट आर नेवर कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर. ग्रैंड पेरेंट्स आर ऑलवेज कंसिडर्ड एज, इसमें नेवर, इसमें ऑलवेज कंसिडर्ड एज रिलेटेड पर्सन टू देयर ग्रैंड सन एंड ग्रैंड डॉटर. Grandparents are considered as related person to their grandson and granddaughter only if they are wholly dependent on their grandson and granddaughter. And grandparents are considered to be related on their grandson only if they are not dependent. So, यहाँ पे dependent, यहाँ पे not dependent. C answer sir. कहाँ पे पढ़ा ये? कहाँ पे पढ़ता है ये? कहाँ पे पढ़ा? मैंने तो मुझे नहीं याद, मैंने कहीं आपको पढ़ाया हूँ. So, from where you get this idea? ग्रैंड पेरेंट वाला कहीं पे तो पढ़ा होगा, आप लोग आंसर दे रहे हो तो, या फिर आंसर देख के लोगे तो कैसे चलेगा? कौन से चैप्टर में आता है? ओके, चैप्टर टू में आता है. फाइन, चैप्टर टू में रिलेटिव की डेफिनेशन. वेरी गुड. सो यू हैव टू रिफर
डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव। चैप्टर टू में या कोई भी चैप्टर में डेफिनेशन दो तीन जगह पे आती है। टेल मी अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज सब्जेक्ट टू स्टेट एक्साइज, उस पर स्टेट एक्साइज लगता है, CST लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स लगता है, या दोनों लगता है, या GST लगता है। ये कहां पे पड़ा? चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। पहले आपको पता है वेट और CST का डिफरेंस क्या है? चलो GST नहीं लगता, फाइन, ओके, आई एग्री GST नहीं लगता। माय क्वेश्चन इज आपको पता है सेंट्रल सेल्स टैक्स और वैल्यू एडेड टैक्स का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इफ यू कैन राइट डाउन, आई डोंट हैव माइक और स्पीकर सो विल नॉट एबल टू हियर यू। नहीं पता, एनीवन? सर वेट जब फैक्ट्री से निकलता है तो एक्साइज लगता है भैया, मैन्युफैक्चरिंग पे एक्साइज लगता है। सी मैं बताता हूं आपको, पुराने जमाने में एक्साइज यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता था, यानी ये पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते थे और वेट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता था। ओके, यानी हर चीज जो मैन्युफैक्चर करते हो ना उस पर एक्साइज तो लग जाता है, फिर जब आप उसको बेचते हो ना तो वैट लगता है, दैट इज सेल्स टैक्स। सो एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चर, सेल्स टैक्स इज ऑन सेल्स, एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स यानी जब आप एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में बेचते थे ना तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। जैसे अभी IGST लगता है, पहले IGST नहीं था तब CST लगता था, विद इन स्टेट लगाते थे तो वैट लगता था। अब उन्होंने क्या किया है, अब मर्ज कर दिया है C और S दोनों। तो डियर फ्रेंड्स, पहले जब GST नहीं था तो मान लो ये माउस मैं बना रहा हूँ, तो ये माउस मेरी फैक्ट्री में से निकलेगा ना तो एक्साइज मुझे भर देने की। और अगेन आई एम रिपीटिंग, एक्साइज इज नॉट ऑन सेल, एक्साइज इज ऑन मैन्युफैक्चर, यू मैन्युफैक्चर यू हैव टू पे, एंड व्हेन गुड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम फैक्ट्री यू हैव टू पे, आइदर इट इज गोइंग फॉर सेल और व्हाट्सएवर। और जब बेचते हो तो उस पर वैट लगता है, यानी दोनों लगता है। तो क्वेश्चन अगेन फिर वही है कि अल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर GST तो है नहीं, यानी पुराना सिस्टम चलेगा। पुराना सिस्टम में जैसे अल्कोहलिक लेकर आप बनाओगे तो सेंट्रल टैक्स लगता है एक्साइज, और जब बेचोगे तो वैट लगता है, तो दोनों लगेगा, दोनों बोथ, इज इट ओके? दोनों लगेगा। तो मैंने आपको पूरा पुराना, यानी अभी क्या लगता है, अभी मान लो ये GST में होता तो CRS दोनों ही लगता ना, तो वैसे पुराने में दोनों ही लगता है, कोई ऐसा बेनिफिट नहीं। चलो टाइम ऑफ सप्लाई इज अ गुड MCQ, ऐसे कोई टेक्निकल लगे ना उसको ही हाईलाइट करने का, जो आपको इजीली आते हैं वो तो ठीक है, आपको आएंगे ही एग्जाम में। टेल मी 53, मिस्टर ए का एक टैक्स इनवॉइस है 20 A का और सर्विस रिसीव्ड बाय हिम, उसकी इनपुट क्रेडिट आप लेना भूल गए, सो इफ ITC इज नॉट अवेल ऑन और बिफोर, तो कब तक ले सकते हैं? सर क्वेश्चन ऐसा है कि उसकी क्रेडिट हम लेना भूल गए तो कब तक ले सकते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल आंसर है, उस साल का सितंबर का 2020 का, सितंबर का रिटर्न 20th अक्टूबर तक, या फिर उसका फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, इन दोनों में से विचार इज करेक्ट। 54 सेज इनपुट सेट क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। सी रिमेंबर, अपना बाकी है ब्लॉक क्रेडिट जो है ना, वो गोल्डन रूल है, वो हर बार आपको एग्जाम में पूछने ही वाला है, तो उसको तो हमें छोड़ने का है ही नहीं, अपने सेकंड पार्ट ऑफ ITC में वो कवर करेंगे, और प्लस मुझे बहुत सारे सम करवाने हैं ITC में, ओके, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए कि मान लो उसमें से पूछे तो चांसेस कम है, इन माई ओपिनियन नाउ मिसलेनियस चैप्टर्स वेटेज विल बी मोर, बट पूछ ले तो हमें आना भी चाहिए। चलो बताओ किसका इनपुट टैक्स रेट नहीं मिलता, गुड्स यूज फॉर पर्सनल कंजम्पशन तो ऑब्वियस है, उसका तो नहीं मिलता है, मेंबरशिप ऑफ क्लब फॉर एम्प्लॉय उसका भी नहीं मिलता है, ट्रैवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉयज ऑन वेकेशन सच एज लीव, होम ट्रायल कंसेशन एज पर कंपनीज इंटरनल पॉलिसी, उसका भी नहीं मिलता है, तीनों का नहीं मिलता, तीनों का नहीं मिलता। दिस इज गुड वन,
दिस इज रियली गुड वन। 55 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज गुड्स, इसमें से कौन से गुड्स नहीं है, तो गुड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ओके तो डेफिनेशन, अब 10 पैसा कौन हैविंग ए सेल वैल्यू ऑफ 100 ईयर्स, शेयर्स ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, लॉटरी 1 2 1 3 2 3 1 2 3, गुड्स की डेफिनेशन आपको ध्यान से पढ़नी पड़े। ओके गुड्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बट अदर देन एक्सनेबल क्लेम, नहीं एक्सनेबल क्लेम इज इंक्लूडेड, आई होप यू रिमेंबर दैट एक्सनेबल क्लेम में लॉटरी आ जाता है। ओके बट एक्सक्लूडिंग शेयर्स, तो शेयर्स इंक्लूड नहीं होते, तो दिस इज आंसर। केस स्टडी वाले थोड़ी देर में शुरू हो जाएंगे, लेट्स सी। नाउ मिस्टर राम ए ज्वेलर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन मुंबई wants to sell his jewelry in trade expo held in Delhi. Which of the following statement is false in this case? Mr. Ram is a jeweler registered under GST in Mumbai, wants to sell his jewelry in trade expo in Delhi. Which of the following statement is false? Isme se false kaun sa hai? He needs to take registration in Delhi as CTP. False kaun sa hai pucha hai? Question dhyan se dekho. He needs to pay advance tax on estimated tax liability. He needs to mandatorily have place of business in Delhi. And he needs to file GSTR 1 and 3B for Delhi, GSTN for month when he is registered in Delhi. See, उसको मैंडेटरी वहां पे जरूरत नहीं है, जरूरत होती तो वो सीटीपी क्यों बनता? ओके दिस इज रॉन्ग, दिस इज फॉल्स। चलो 57 अगेन, दिस टाइप ऑफ स्मॉल क्वेश्चंस आई एम लविंग इट मोरा, क्योंकि इसमें बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर सीजीएसटी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रीटेड एज एग्जाम सप्लाई अंडर सीजीएसटी, सेल ऑफ लीकर इज एग्जाम, सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर इज एग्जाम, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी ट्रांसमिशन यूनिट, किस पे जीएसटी नहीं है? किस पे डी, डी कैसी मेक्स आंसर है। सी लीकर पे तो जीएसटी नहीं है डियर स्टूडेंट, हेल्थ केयर में भी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी जब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूटिलिटी करती है यानी गवर्नमेंट सेगमेंट होता है तो वो भी एग्जाम्प्ट है, तो यहाँ पे आपका आंसर डी आएगा। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन यूनिट इज एग्जाम्प्ट ओनली। चलो टेल मी 58 विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकॉग्नाइज्ड सिस्टम ऑफ मेडिसिन अंडर द पर्पस ऑफ एग्जम्पशन ऑफ हेल्थ केयर, 58 का आंसर देना है आपको। एलोपैथी, यूनानी, सिद्धा, 1 2 1 2 2 3 1 2 3, ये आपने कितना ध्यान से पढ़ा है, थियरी उस पर जाएगा। ओके तीनों आ जाता है करेक्ट, एलोपैथी, यूनानी एंड सिद्धा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस इज एग्जेम्प्ट अंडर हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट, सो रिवर्स क्वेश्चन है उसमें। रिवर्स क्वेश्चन का मतलब कैसा है कि भाई रिवर्स क्वेश्चन का मतलब बाकी सब टैक्सेबल भी होंगे एक एग्जाम। मैं का कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हो, एक आधे घंटे के बाद क्वेश्चन 57, तो सेल ऑफ लीकर इज एग्जाम ना, लीकर पे कहाँ जीएसटी लगता है, लीकर पे नहीं लगता जीएसटी, एग्जाम भी पूछे ना उस पर, अभी तो पढ़ के आया स्टेट एक्साइज और वेट, स्टेट एक्साइज और वेट। टेल मी 59 इसमें से क्या एग्जाम्प्ट है, केमिस्ट शॉप जो दुकान रखता है और वो बेचता है मेडिसिन वो एग्जाम्प्ट है तो नहीं, केमिस्ट शॉप पे तो डियर फ्रेंड्स वो तो फार्मा पे जीएसटी लगाई देते हैं। फूड सप्लाइड फ्रॉम एन आउटसोर्स कैंटीन टू इन पेशेंट्स एज पर डाइट प्रिस्क्राइब इन हॉस्पिटल डाइटिशियन, आउटसोर्स किया लेकिन पेशेंट को दिया। फूड सप्लाइड फ्रॉम आउटसोर्स कैंटीन इन हॉस्पिटल टू अ विजिटर और अटेंडेंट
An advertisement servicing hospital to pharmaceutical company for asthma pump by displaying it in prominent place in hospital of पेशेंट को एग्जाम करते हैं, क्या एग्जाम करते हैं, खाली पेशेंट को। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर 5 लैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। गुड्स है, क्वेश्चन शांति से देखने का। एडवांस 1 अप्रैल को मिला, इनवॉइस आपने 15 को रिमूव किया और गुड्स रिमूव 25 अप्रैल को बोला। सो व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई एंड व्हेन इज टैक्स पेबल अंडर फॉरवर्ड चार्ज। चलो एवरीवन बी ग्रेट, करेक्ट सर। एडवांस नहीं, एडवांस नहीं, एडवांस सर्विस होता तो एडवांस आ जाता, बट गुड्स है इसीलिए एडवांस का प्रोविजन गुड्स के लिए नहीं। अगेन टाइम ऑफ सप्लाई, शैम लिमिटेड, लिमिटेड है क्वेश्चन, एक बार शांति से देखो। इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, पहले आप लोग सबके आंसर आने चाहिए। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड। शैम लिमिटेड इज रिसीविंग लीगल सर्विस फ्रॉम लॉयर मिस्टर ज्ञान, और मिस्टर ज्ञान इज एन इंडिपेंडेंट एडवोकेट, उसने लिमिटेड कंपनी को सर्विस दी है। सो एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ शैम लिमिटेड 40 लैक्स है, यानी वो भी 10 लैक से कम नहीं है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ पेमेंट इनवॉइस एज फॉलोस। इनवॉइस मिस्टर ज्ञान ने दिया 15 अप्रैल को, पेमेंट रिसीव किया मिस्टर ज्ञान ने 5 मई को, डेट ऑफ पेमेंट एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ शैम इज 1 मई। व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। प्रोविजन याद है, पहले प्रोविजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसमें। रिवर्स चार्ज आरसीएम के अंदर, यस आरसीएम का प्रोविजन है। तो व्हाट इज योर आंसर, ए। इनवॉइस डेट नहीं लेने की हमें 15 अप्रैल, कितने दिन लेने पड़ते हैं इनवॉइस से। वेरी गुड, 60 डेज या 61st डे रिवर्स चार्ज में सर्विस में। वेरी गुड, वेरी गुड। सो इन दैट केस यू आर गेटिंग पेमेंट अर्लियर, सो 1 में इज योर आंसर। ओके ओके चलो वेरी गुड। व्हाट अबाउट 62। चलो आप लोग 62 पढ़ो फिर मुझे बताना आंसर। चलो लेट्स रीस्टार्ट। क्या लगता है आपको 62 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल फॉर ऑप्टिंग कंपोजिशन। कंपोजिशन में कौन नहीं जा सकता। एबीसी ऑफ फर्म सेलिंग गारमेंट्स इन अहमदाबाद हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 78 लैक्स, स्टार्टअप कंपनी ऑपरेटिंग रेस्टोरेंट इन दिल्ली हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 98 लैक्स, कुरियर कंपनी कुरियर सर्विस कंपनी ऑपरेटिंग इन मुंबई हैविंग टर्नओवर ऑफ 90 लैक्स, एंड ट्रेडर सेलिंग ए ग्रोसरी आइटम इन ओरिसा हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ 95 लाख। कौन कंपोजिशन में नहीं जा सकता, रिवर्स क्वेश्चन है। क्यों क्यों आप लोगों का आंसर सी था, डी में 95 लाख था। सर्विस है इसीलिए, करेक्ट फाइन वेरी गुड। 63 एज्यूमिंग दैट ऑल द एक्टिविटीज गिवन बिलो अंडरटेकन फॉर अ कंसीडरेशन। ओके स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस। इसमें से नॉट अ सप्लाई ऑफ सर्विस कौन सी है। रेंटिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस कॉम्प्लेक्स सर्विस नहीं है। एन एम्प्लॉय एग्रीइंग
to not work for computer organization after leaving current employment, repairing of mobile phone, and provision of service by employee to employer in the course of employment. इसमें से क्या provision of service नहीं है? चलो, we have two answers D. पहला जो service है, repairing of mobile phone भी service है, उसमें clear है. B जो है, वो non कॉम्पिटिंग एग्रीमेंट होता है, वो भी सर्विस में आता है. तो डी इज करेक्ट आंसर. बट डी कहां पे आता है? तो डी अगर सर्विस में नहीं आता तो कहां पे आता है? वेयर डज डी कम इफ इट इज नॉट कमिंग अंडर सप्लाई ऑफ सर्विस? नेगेटिव लिस्ट में आता है. कहां पे आता है? नेगेटिव लिस्ट में. शेड्यूल थ्री करेक्ट. शेड्यूल थ्री इज करेक्ट. चलो टेल मी नेक्स्ट. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स. कैलकुलेटर रखो भाई अपने पास. ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड सोल्ड गुड्स ऑफ वाई लिमिटेड 250 बाय चार्ज 18% जीएसटी. हाउएवर ओइंग टू सम डिफेक्ट ऑफ गुड्स वाई रिटर्न द गुड्स इश्यूइंग अ डेबिट नोट ऑफ 40,000 इन द सेम मंथ. नाउ जेड रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय इश्यूइंग अ क्रेडिट नोट ऑफ 40,000 प्लस जीएसटी इन सेम मंथ. इन दिस सिचुएशन जीएसटी लायबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ मे विल बी. चलो यही क्वेश्चन है जो आप सबको करना है. एक सेल किया, फिर उसके सामने उसका डेबिट नोट आया, गुड्स वापस आए, तो हम उसको क्रेडिट नोट देंगे, यानी हम पार्टी को क्रेडिट नोट देंगे, तो टैक्स पे करने का कितना आएगा? चलो आप लोग कैलकुलेटर है तो बताओ मुझको. मल्टीप्लाई करना, ओके. 255 उसका 18% कितना होता है? 255 18% 45,900. उसमें से सेल्स रिटर्न का टैक्स कम हो जाता है, तो 40,000 का 18% कम कर दो, कितना होता है? 7,200. तो नेट पेएबल कितना आ रहा है पता चला? क्वेश्चन इजी. ओके, नाउ सिमिलर क्वेश्चंस आर कमिंग अप, बड़े बड़े. चलो, सी एंड कंपनी इज रजिस्टर सप्लाई इन दिल्ली, ऑप्टेड फॉर कंपोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2 ऑफ 10, 1.5 crore वाला. इट सोल्ड गुड्स ऑन फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 15 lakhs एक्सक्लूसिव ऑफ CGST, 15 lakh का सेल है. एप्लीकेबल रेट ऑन गुड्स ऑज 12%. बट डियर फ्रेंड्स, हम तो सप्लायर हैं, सप्लायर को कितने परसेंट से रेट मिलता है? उसको क्रेडिट भी नहीं मिलती. व्हाट दे आर टेलिंग? 12% कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर दिस मच ऑन विच रमेश कंपनी हैज चार्ज जीएसटी दिस. क्या ये जीएसटी की क्रेडिट मिलती है आपको? ये 57,300 की क्रेडिट मिलेगी? नो. ओके, ये सब दिमाग में रखना पड़ता है. सम कर रहे हो तब. सी एन कंपनी ऑल्सो परचेज गुड्स फ्रॉम ई एन कंपनी रजिस्टर्ड इन हरियाणा फॉर दिस मच ऑन विच दे हैव चार्ज दिस मच IGST. जीएसटी लायबिलिटी ऑफ सी एन कंपनी फॉर फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर इज. हमने हरियाणा से भी परचेस किया है. ये कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन आप पता है आप दूसरे स्टेट में से परचेस कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते. आप दिल्ली थे और दिल्ली में से परचेस किया, वो चलेगा. आप दूसरे से परचेस करते हो हरियाणा से, तो भी चलेगा, सेल नहीं कर सकते. चलो बताओ, तो क्या करूं मैं? 15 lakh पे कितना टैक्स आएगा? टेल मी. नाउ कैलकुलेशंस पार्ट विल कम. आई एम कीपिंग स्क्रीन लिटिल बिट बिगर, मैं साइड में वर्किंग कर रहा हूं. चलो बताओ क्या करूं? तो आंसर ही नहीं है. आंसर है उसमें से देने का ना भाई, एमसीक्यू में.
Okay, so what will be answer? 7500, 7500, C and S. Correct. चलो 66 आप लोग पढ़ो. मिस्टर रघु अवेल सर्विस ऑफ मिस्टर राजा. हम आ गए चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर. हमने उसका ऑडिट किया, उसकी इतनी फीस, टैक्स की इतनी, इनकम टैक्स उसकी वाइफ का इतना. ऑल अबव आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. सीए को 18% टैक्स लगता है. द अकाउंटेंट ऑफ मिस्टर रघु हैज बुक द एंटायर एक्सपेंस ऑफ 70,000 प्लस जीएसटी इन बुक्स ऑफ अकाउंट. मिस्टर रघु इज एलिजिबल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट. कितना क्रेडिट मिलेगा? कैसे बी का कैलकुलेशन किया भाई? मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, जो आप लोगों को थोड़ा बताना पड़ेगा. हाउ बी? यू हैव टू एक्सप्लेन मी. 65,000 क्यों ऐसा? क्या प्रॉब्लम? सर 5,000 नो आईटीसी बिकॉज इट इज ऑफ वाइफ. हाँ, ऐसा वाइफ है इसीलिए नहीं मिलता, ऐसा नहीं होता यार. वाइफ का तो सब मिलता है, इक्वल पार्ट होता है, लेकिन ये हो जाता है पर्सनल, बिजनेस नहीं हुआ इसीलिए. वाइफ का कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके चलो नेक्स्ट. करेक्ट. सिक्सटी सेवन टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान. Furnish following information for the month of June. Okay, interstate sale of goods is 125 to JJ Enterprise in Haryana. Interstate purchase है अपना 40,000 का. Interstate purchase है आपका RR Trader से 65 का. And applicable rate of GST is 18%. All the above amounts are exclusive of GST. जीएसटी लायबल पेलेबल इन कैश इज हाउ मच. तो ये तो कैलकुलेशन आ गया डियर फ्रेंड्स. इंटरस्टेट सेल यानी आईजीएसटी पेएबल. ओके पेएबल गिन रहे. चलो कैलकुलेटर पे दो. 125,000 का 18%. 125,000 का 18%. इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स तो दैट यू विल गेट अ क्रेडिट. ओके सी जी एस टी क्रेडिट एंड एस जी एस टी क्रेडिट. टेल मी 9%. 40,000 का 9%. डोंट गिव मी टोटल डियर फ्रेंड्स. इंटरस्टेट है. सॉरी सॉरी दिस इज इंटरस्टेट. So in that case it will be 18. This will be 9 and 9. 40,000 का 80%. थोड़ा ध्यान से पढ़ो. And intrastate purchase जो है वो 65 का. 65 का 9%. ओके तो अब रूल कैसा है आपको पता है ना.
कि पहले आईजीएसटी की क्रेडिट आईजीएसटी के सामने सेट करो और ख़त्म करो। तो अपना जीएसटी की लाइबिलिटी है 22,500 आईजीएसटी, उसके सामने आईटीसी हम पहले यूज़ कर देते हैं आईजीएसटी की, दैट इज 7,200। फिर क्या बचा? आंसर तो बताओ, ऐसा ओवरऑल एग्जाम में थोड़ा हो जाएगा। 15,300। फिर उसको, इसके लिए हम सी जी एस टी भी यूज कर सकते हैं, आई जी एस टी भी यूज कर सकते हैं, और जो रेशियो जो जिसको पहले करना है करो। ओके, तो ये 5,850 माइनस 5,850, तो भी कुछ ना कुछ पेबल आएगा, लेकिन वो कौन सा टैक्स है? आई जी एस टी पेबल। करेक्ट। चलो एक बार 68 आप लोग ट्राई करो, फिर मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना, फाइनल आंसर नहीं। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स, यू कैन ट्राई। तो आई जी एस टी मेगा का आंसर आया है एक अपने पास 36, तो बुरा ना लगता है। 68 में कहाँ पहुँचे? एक्सप्लेन मी लिटल बिट वर्किंग ऑल्सो। सिक्सटी एट का आंसर
काफी सारे बच्चों का आ रहा है 68 का आंसर आ रहा है बी। ओके सर, रेट 5% आएगा इन सेक्शन 8। सो दैट वी विल सी। प्रदीप टेंडर इज रजिस्टर्ड इन हरियाणा, सोल्ड इंटरस्टेट टू बलराम लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, जीएसटी लेवियबल एट द रेट ऑफ 5% ऑफ स्टेट गुड्स एज पर द टर्म्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट। प्रदीप ट्रेडर हैज टू डिलीवर द गुड्स एट द फैक्ट्री ऑफ बलराम प्राइवेट लिमिटेड। फॉर दिस पर्पज प्रदीप ट्रेडर हैज चार्ज फ्रेट ऑफ 2400 फ्रॉम बलराम, जीएसटी लेवियबल 12% ऑन फ्रेट। वॉट वुड बी द नेट जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश। तो कैसे कैलकुलेट किया, 10,250 फॉर गुड्स, कैसे 2,05,000 का 5%, इज इट ओके? और दूसरा 2,400 का 5%, दैट इज 120। यस, यू कैन डू डायरेक्टली ऑल्सो। सो 10,370। चलो आगे बढ़ते हैं 69 में। अभी ने सैड न्यूज आई, अभी एक मिनट पहले सोसाइटी में एक जन की डेथ हो गई कोरोना में, थे वो 25-30 दिन से हॉस्पिटल में। ये टफ है हाँ बेटा, ये सबको बोल रहा हूँ। अभी आपको बोलो रीसेंट, आपको बता होगा मौलिन सर का, तो संकेत सर की वाइफ को भी आया कल कोरोना। सो दिस इज वेरी स्प्रेडिंग विद वेरी ग्रेट स्प्रेड। सब पढ़ाई वढ़ाई हेल्थ वेल्थ सब साइड में रह जाती है, ध्यान नहीं रखोगे तो। सब ध्यान रखो, और एज वाले लोग हैं घर पे तो ज़्यादा, मम्मी मम्मी थोड़ी आलस करती है तो उसको बोलो भाई सब्जी वब्जी लाते हो तो उसको धो बराबर। एंड रियली द सिचुएशन दिस टाइम इज मोर टफ, आई व्हाट आई फील। पिछली बार हमारी सोसाइटी में 2 या 3 केस थे पूरे साल में, जब इंडिया में 1 करोड़ केस थे। अभी 50 में से 25 घर में केस है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी सोसाइटी में भी ऐसा होगा, हर सोसाइटी में मैक्सिमम केस होंगे। तो जितना ध्यान रख सकते हो उतना रखो। लॉस ऑफ पर्सन जो होता है ना वो बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको कॉम्पनसेट नहीं कर पाते अपने। टाइम कैन बी मैनेज, मनी कैन बी मैनेज, बट लॉस ऑफ पर्सन इज वेरी डिफिकल्ट। अभी जो है वो तो ओनली अर्निंग पर्सन है, उसका बेटा अभी छोटा ही है 19-20 साल का, यानी 19-20 को तो मैं छोटा ही गिनता हूँ। अनलेस यू आर नॉट अर्निंग यू आर स्मॉल ओनली, then your age is 22 doesn't make any sense. क्योंकि अर्निंग के बिना घर चलाना ना वो एक खाली सपना होता है। बाकी एक की मेंबर ऑफ फैमिली फादर, उनका इम्पोर्टेंस वो ना हो ना तो ही पता चलता है, बाकी ऐसा ही लगता है सब चल रहा है। सो वेरी सैड पार्ट है। चलो कोई बात नहीं, चलो लेट्स मूव ऑन। अभी तो यही चल रहा है हर जगह पे कोरोना को, दिमाग खराब हो गया। चलो 69। प्रेम एंड सन्स हैड टेकन जीएसटी रजिस्ट्रेशन ऑन 1st जनवरी
but fail to furnish GST return for next 6 months. Prem and Sons has taken GST registration on 1st January but failed to furnish GST return for next 6 months. So, what happens? DFN's auto cancellation. Owing to this, the proper officer cancelled his registration on 25th July and served the order for cancellation of registration on 31st July. Now, Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. उनका ऑर्डर 31 जुलाई को आया, अब उनको रिवोकेशन करना है, तो कितने दिन के अंदर उनको रिवोकेशन के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ती है? विदिन 30 डेज. वेरी गुड, विदिन 30 डेज. 30th अगस्त जुलाई था तो अगस्त करेक्ट. XX registered in Delhi purchase books from EC traders. Registered in Uttar Pradesh. Books are exempt from GST. Okay, XX arrange the transport of these books from GTM. GTA is a books guy which charge a freight of 9,000. GST is payable 5% on GTA service. मैंने आपको इसलिए बोला था, इस बार GTA भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एंगल से. Which of the following statement is correct in given context? GST of 450 is payable on reverse charge. Supply of goods and service of GTA is composite. Supply of goods and principal, and so principal is exempt, so no tax. Since exempt goods are being transported, service provided by GTA is also same. GST is rupees 450 is payable by GTA. क्या लगता है आपको? XX is registered in Delhi, purchase books from BC traders, registered in Uttar Pradesh. Books are exempt. XX arrange the transportation of these goods. Very good. A. Okay, is the answer. Answer भी इसमें थे काफी सारे. चलो केस स्टडी वाले करते हैं स्टार्ट. आपका कोई और लेक्चर है? मुझे है ना एक्चुअली पता नहीं है, मुझे खाली उतना पता था कि जय सर का नहीं था सेशन लाइक दैट. और दूसरा सेशन कब है आपका? मींस वीकेंड टिकट ना, थोड़ा तीस है, 5 बजे ना, 5 बजे बरस सकते हैं. तो लेट्स स्ट्रेच, जितना ले सकते हो उतना लेते हैं. ओके, धीरे धीरे, ये थोड़े टाइम कंज्यूमिंग होंगे बट ऐसा एग्जाम में पूछते हैं तो हमें थोड़ा फोकस तो रखना ही. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चलो, सो नाउ फर्स्ट पार्ट इज मिस्टर पशुपति इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अंडर जीएसटी इज एंगेज इन ट्रेडिंग ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स. हिज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर वाज बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट. यानी पिछले साल तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल ही नहीं था, सो दैट इज गुड थिंग. ओके, इसमें क्या होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि सब स्टोरी फॉर्म में चले, हमें धीरे 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 के सब अंडरस्टैंड लेना पड़ेगा, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग के एंगल्स. कई बार क्या होता है, हम रिवर्स मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं. रिवर्स मेथड यानी क्या, पहले आपको क्वेश्चन देख लेंगे. ओके, क्योंकि कई बार क्या होगा, क्वेश्चन पे से हमें पता चलेगा कि कौन से एरिया में आपको आंसर में ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा. ओके, सो देयर आर 2-3 वेज, सो दिस इज वन ऑफ द वे. वी कांट से दिस इज परफेक्ट, बट ये भी एक रास्ता है. इसमें क्या होगा, जो सिंपल होंगे वो क्लियर हो जाते हैं. जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई एज पर सीजीएसटी, तो ये एक्चुअली ऊपर नहीं पड़ते तो भी हमें आना चाहिए कि भाई कौन सा सप्लाई नहीं है. बिल ऑफ एक्सचेंज, अनसिक्योर्ड डिबेंचर, बेटिंग, प्रॉमिसरी नोट, बराबर. तो ये उसके साथ लेना देना नहीं है. क्या लगता है इसका क्या आंसर आएगा? बेटिंग इज एक्सनेबल क्लेम. बेटिंग इज एक्सनेबल क्लेम, तो क्या लगता है?
टैक्सनेबल क्लेम जो है डियर फ्रेंड, बेटिंग पता है ना, लॉटरी, तो वो तो टैक्सेबल है, बाकी का तीन नहीं है। ओके सो ये आएगा डी। तो अभी इसको क्वेश्चन के साथ कनेक्ट करो नहीं करो फर्क नहीं पड़ता। अब ध्यान से देखो, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विस पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, यानी जहां जहां क्वेश्चन में आरसीएम आएगा वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि उसका क्वेश्चन है। फिर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल ऑफ पर्सनल कार एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर एंड स्टॉक ऑफ गुड्स वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी क्वेश्चन पढ़ते हो तो ध्यान रखना पर्सनल कार कंप्यूटर और स्टॉक जब बेचते हो तो उसका क्या टैक्स आएगा, सॉरी टैक्स नहीं उसका वैल्यू क्या आएगा वो क्वेश्चन पूछा है। टाइम ऑफ सप्लाई पूछा है बाय मिस्टर पशुपति, मिस्टर पशुपति इज टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, गुड्स का पूछा है उसने, वो डेट में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड कंप्यूट द फॉलोइंग आंसर इज देयर बट लेट नॉट सी राइट नाउ, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट दैट कैन बी क्लेम बाय मिस्टर पशुपति। तो ये इंडिपेंडेंट हो गए सब, तो अब उस पे से हमें आइडिया आएगा कि भाई क्या ध्यान रखना है हमें। तो चलो, ही हैज इश्यूड वेरियस बिल ऑफ एक्सचेंज अनसिक्योर्ड डिबेंचर प्रॉमिसरी नोट एक्सेट्रा फर्दर इज ऑल्सो एंगेज इन बेटिंग, तो तीन चीज एग्जाम्पल है, एक चीज टैक्सेबल है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल की बात कर रहे हैं, GTA सर्विस उसने ली है डियर फ्रेंड्स, GTA सर्विस फ्रॉम XYZ ट्रांसपोर्ट GST चार्ज 5%, तो ये RCM वाला हो गया। ओके चलो बताओ 35,000 का 5%, फिर रेंटिंग ऑफ गोडाउन प्रीमाइसिस फ्रॉम लोकल म्युनिसिपैलिटी, रेंटिंग ऑफ हमने म्युनिसिपैलिटी को सर्विस दी, सर्विस इज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, हम रजिस्टर्ड पार्टी है और आपको पता है 9(3) के लिस्ट में ऐसा है कि भाई रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, डियर फ्रेंड्स रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी टू गवर्नमेंट म्युनिसिपैलिटी एक्सेट्रा इज ऑल्सो लायबल फॉर RCM। मैं अभी बता रहा हूँ आपको, फिर हम चेक करेंगे राइट है करो। 40,000 का 5%, ऐसा जिसके आंसर में वर्किंग नहीं है, वर्किंग हमें खुद ही करना है। और लीगल सर्विस हम एडवोकेट की लेंगे डियर फ्रेंड्स, और हम कौन है, मिस्टर पशुपति। डियर फ्रेंड्स पशुपति इज एन इंडिविजुअल बट ये पर्सनल केस नहीं है, तलाक का है एक्सेट्रा, ये बिजनेस केस है फॉर्म ऑफ एडवोकेट के लिए, और अगर हम GST में है तो लगेगा वरना नहीं लगेगा। तो पिछले साल तो हम नहीं थे, बिलो थ्रेशोल्ड है, लेकिन इस साल के लिए रिवर्स चार्ज के लिए आपको लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो 50,000 पे ये 5% क्यों लिया हमने, वो देखना पड़ता है 5% लगेगा कि नहीं, दैट वी नीड टू चेक। 5% इज फॉर GTA। ओके नाउ ही सोल्ड हिज कार फॉर पर्सनल पर्पस फॉर 1 lakh, ही डिस्पोज हिज ओल्ड कंप्यूटर फॉर 60,000 ऑन विच नो ITC वॉज क्लेम। अब आपको पता है जब ITC क्लेम करते हैं तो जब आप उसको रीसेल करोगे, अगर आप ITC क्लेम करते हो और जब आप उसको रीसेल करते हो तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। लिसन केयरफुली अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू रिमेम्बर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन में ऐसा था कि जब आप पर्सनल एसेट बेचते हो तो उस पर GST आपको भरना पड़ेगा इफ यू टेकन ITC, यहाँ पे तो ITC लिया नहीं है। ओके ही सोल्ड इज यूज ही सोल्ड ए कार फॉर पर्सनल पर्पज फॉर 1 lakh and he disposed of old computer for 60,000 on no ITC was claimed. He also gave away his stock to old consumer amounting 75,000 on which he has claimed ITC. Dear friends, to an orphanage home. Yani, ek question tha apne liye specifically, ke bhai ye teenon cheez ka value kya hoga? Tax ke angle se, dear friends. Yaad hai aapko? Tax ke angle se ek question tha. Main connect karke bata dhu. Okay? कि भाई ये पर्सनल कार डिस्पोजल और तीनों का वैल्यू क्या होगा, तो आपको बताए मैंने हमने क्लास में डिस्कस किया था कि जो चीज़ पे आपने ITC लिया ही नहीं है वो आप बेचोगे तो सरकार को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चीज़ पे आपने ITC लिया है उस पर आप फ्री में बेचोगे तो गड़बड़ होगी, तो सरकार उसकी वैल्यू पे टैक्स लेंगे। तो इसमें क्या होगा, देखो पर्सनल कार का तो यूं भी क्रेडिट नहीं मिलता, आपको पता है ना कार का क्रेडिट मिलता है 17(5) में नहीं मिलता, ओल्ड कंप्यूटर का हमने क्रेडिट लिया नहीं था तो उसका मतलब क्या हो गया, पर्सनल कार भूल जाओ उसका क्रेडिट नहीं मिलता, ओल्ड कंप्यूटर भूल जाओ उसका क्रेडिट, एक्चुअली लिया होता तो भरते लेकिन लिया ही नहीं था, और आपने स्टॉक जो है वो आपके दोस्त को दिया लेकिन उस पर आपने क्रेडिट लिया था, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए 75,000। इज इट ओके?
अब आगे बढ़ते हैं। ही रिसीव्ड गुड्स ऑन फर्स्ट मे, आपको फर्स्ट मे को गुड्स मिले, विच आर लायबल टू टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। इनवॉइस इश्यू किया आपने फिफ्थ मे को एंड पेमेंट फॉर द सेम वॉज मेड ऑन 6th जून। ओके, तो इसका भी एक ट्रांजेक्शन था आपने पास, ये गुड्स का है, सर्विस का नहीं। एक बार वापस भी आएंगे, खाली ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ रहे हैं। फिर ऐसा लिखा है उसने कि भाई ही पेड फॉर रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रेडिट मिलता है तो इसका भी मिलेगा फॉर हिज बिजनेस। जीएसटी कंपोनेंट इन्वॉल्व्ड इज 13,000, ही अरेंज फॉर कैटरिंग ऑफ लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल ऑफ जीएसटी कंपोनेंट 15,000। ही रिसीव्ड द लॉट, फर्स्ट लॉट ऑफ सर्टेन गुड्स हैविंग जीएसटी कंपोनेंट ऑफ दिस। आपको पता है फर्स्ट लॉट का आपको क्रेडिट मिलता नहीं है, ओके, फर्स्ट लॉट का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है। एंड ही अरेंज ए कैटरिंग ऑन लेबर डे फंक्शन एंड पेड बिल इन विच जीएसटी कंपोनेंट इज दिस। अब देखो, लेबर डे का फंक्शन करते हो आप, लोगों को खाना खिलाते हो, वो आपका बिजनेस मॉडल नहीं है, तो उसका भी आपको क्रेडिट टेक्निकली नहीं मिलता। यानी यहाँ पे बात करें तो आपको क्रेडिट ये 13 का मिल सकता है। ऑल द अबव अमाउंट आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स वेयर एवर एप्लीकेबल, ऑल सप्लाई रिफंड आर इंटरेस्टेड एक्सेप्ट एंड अदरवाइज आईटीसी कंडीशंस आर फुलफिल्ड, सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट। अब धीरे धीरे बढ़ते हैं, नॉट क्विकली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज सप्लाई एज पर प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट, तो बेटिंग इज करेक्ट, बराबर। दूसरा क्वेश्चन, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सर्विस टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अभी देखो टैक्स नहीं पूछा उसने, उसने आपको ऐसा पूछा है वैल्यू, रिवर्स चार्ज में आने वाली वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पे आप देखो, वैल्यू के लिए आपको उन्होंने जानबूझ के तीन चीज बोली थी। सी, टेक्निकली ये सब रिवर्स में आता है, मेरी बात सुनो, लेकिन कब, अगर आप रजिस्टर्ड होते तो। यहाँ पे क्या, वो पिछले साल रजिस्टर्ड नहीं था, सो इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, आपको पता है इफ यू आर, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू आर रजिस्टर्ड, दिस रूल इज एप्लीकेबल ओनली इफ यू आर रजिस्टर्ड, दिस रूल इज एप्लीकेबल इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड, ओके। तो उसमें रिवर्स चार्ज को आपको 9(3) में रजिस्ट्रेशन लेके भरना पड़ेगा। सो टेक्निकली सब रिवर्स चार्ज था, लेकिन इन दोनों पे नहीं आएगा, सिर्फ 35,000 पे आएगा। और इम्पोर्टेंटली उसने टैक्स नहीं पूछा है, वैल्यू पूछा था। सो इन दैट केस योर आंसर इज 35,000। सो वेरी गुड क्वेश्चन आस्क। और टैक्स मैंने इसीलिए नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि उस पर 18 भी हो सकता है, जरूरी नहीं सब चीज पे 5% हो, बट हम जीएसटी में है ही नहीं इन दिस क्वेश्चन। फिर यहाँ पे, इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्सनल कार एंड डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर एंड गुड्स, तो पर्सनल कार और कंप्यूटर पे हमें आईटीसी नहीं ली थी, स्टॉक पे लिया था, तो स्टॉक का जो वैल्यू है वही वैल्यूएशन होगा 75,000, बाकी तो आपको करना पड़ेगा इग्नोर। सो इन दैट केस योर आंसर इज 75,000। उसके बाद टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, डियर फ्रेंड्स, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स रिसीव्ड बाय मिस्टर पशुपति। सो अगर गुड्स रिसीव होते हैं ना, तो हम देखते हैं हमें गुड्स रिसीव कब हुए, ओके। तो गुड्स रिसीव हुए फर्स्ट मे को, फिर इनवॉइस के 30 डेज हम लेंगे गुड्स के केस में, पेमेंट देखेंगे, लेकिन रिसीव जो हुआ है वो फर्स्ट मे को है, तो विचार इज अर्लियर, तो उसमें फर्स्ट मे ही आ जाएगा। उसके बाद, नाउ दिस इज इम्पोर्टेंट अगेन, कि कंप्यूटर इनपुट टैक्स क्रेडिट कितनी मिलेगी, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कितनी मिलेगी, ये इसने थोड़ा क्लियर नहीं किया क्वेश्चन, क्योंकि मेरे हिसाब से क्या होगा, ये 35,000 का ये भी क्रेडिट मिलता है आपको, एक बार पे करना पड़ता है बट मिलता है। बट उसने क्या किया, इंडिपेंडेंट कर दिया है कि भाई एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, नीचे वाला क्वेश्चन यहाँ से, चौथा यहाँ से, आर यू गेटिंग इट ऑर नॉट। तो उसने अपने एंड से ही पार्ट कर दिया, ऐसा जरूरी नहीं पार्ट हो, सब मर्ज भी हो सकता है। सो इन दैट केस जेन्युइनली आपको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का क्रेडिट मिलेगा, बाकी किसी का नहीं मिलेगा, सो इट इज 13,000। सो इन दैट केस इट इज डी। बट क्यों कोई चीज नहीं मिल रही है वो पता चलना चाहिए। सो टेल मी, इज इट ओके, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मैं ना आपको टाइम ऑफ सप्लाई एक बार रिवाइज करवा के वापस लेके आऊंगा, क्योंकि ये है ना डेट डेज वेज में अभी हम घूमेंगे ना तो पता नहीं चलेगा। डेज वाले जो सम होंगे ना उसमें मुझे, मैं आपको एक बार नेक्स्ट सेशन में सब रिवीजन करवाऊंगा एंड देन वी विल जंप। सी इफ यू डू डायरेक्टली इट विल नॉट हेल्प। चलो मैं एग्जम्पशन का लेता हूँ, मैं नहीं, मुझे डेट्स के साथ अभी आपको उलझाना नहीं है, ओके? आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू विद डेट। डेट वाला एक लास्ट सेशन और रखेंगे, कोई चिंता नहीं। चलो मिस्टर चंचला इज अ डॉक्टर हैविंग इन पेशेंट फैसिलिटी इन हर हॉस्पिटल एंड रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सो लेट्स गो विद द टेक्निक व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि पहले क्वेश्चन पढ़ो तो आपको पता चलेगा मुझे किस पे फोकस करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी। Which of the following statement is correct? Service availed from her spouse is a deemed supply. Dear friends, service availed from sister-in-law is a deemed supply. Service availed from spouse is not a deemed supply. Service availed from sister-in-law is not a deemed supply. अब ये सब क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव की डेफिनेशन में से उठा दें बोलो। तो अगेन क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर प्रोविजन। तो अभी क्या होता है, किसी हम पैसे नहीं लेते, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम स्पाउस, स्पाउस से सर्विस लेंगे उसको हम डीम सप्लाई बोल सकते हैं। सिस्टर इन लॉ, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज अ डीम सप्लाई, सर्विस अवेल्ड फ्रॉम हर स्पाउस इज नॉट अ डीम सप्लाई एंड सर्विस अवेल्ड फ्रॉम सिस्टर इन लॉ इज नॉट अ डीम सप्लाई। सो लुक्स वेरी ऑड, बट थोड़ा शांति से लिखना पड़ेगा। सिस्टर इन लॉ है ना वो सब डेफिनेशन में नहीं आते, वो बहुत दूर दूर के हो जाते हैं, ओके? तो उसको तो हम ऐसा बोल सकते हैं इट इज नॉट अ डीम सप्लाई। और स्पाउस को हम जनरली पैसे नहीं, स्पाउस यानी पता होगा ऐसा मान लेता हूँ मैं आपको, हस्बैंड वाइफ, वो तो एक दूसरे को पैसे नहीं देंगे तो उसको डीम सप्लाई बोल सकते हैं। तो इन दिस केस इफ यू रीड और नॉट डजंट मेक क्वेश्चन सेंस, आगे का पढ़ो नहीं पढ़ो कंफ्यूज हुए बिना, एक दो आंसर तो आप सीधे ही दे सकते हो, दैट इज 1 and 4। अब क्वेश्चन हम ध्यान से पढ़ेंगे। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ कैंटीन सर्विस बाय मिस चंचला, तो वो देखेंगे जब आएगा तब। मिस चंचला शुड हैव अप्लाइड फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन सर्टिफिकेट, तो आपका जिस दिन कैंसल होता है प्लस 30 days के लिए ये क्वेश्चन होगा। मैक्सिमम परमिसेबल फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कमिटेड इन मंथली रिटर्न ऑफ जून, जून की गलती हम कब तक सुधार सकते हैं, यूं तो नेक्स्ट ईयर के 20th October तक या एनुअल रिटर्न तक, विचार इज अर्लियर, तो देखते हैं क्वेश्चन में उसने क्या लेट दिया है। एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस चंचला एट हर हॉस्पिटल इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, तो प्लास्टिक सर्जरी एनहांसिंग द ब्यूटी ऑफ फेस, तो डियर फ्रेंड्स ये तो होता है टैक्सेबल। एम्बुलेंस सर्विस होता है एग्जेम्प्ट। रेंटिंग ऑफ स्पेस टू रन मेडिकल स्टोर इन हॉस्पिटल प्रीमाइसेस, क्या लगता है आपको ये एग्जेम्प्ट होता है कि टैक्सेबल होता है? मेडिकल स्टोर को रेंट पे दिया आपने, ये हो गया रेंटिंग ऑफ इमोबल प्रॉपर्टी, डियर फ्रेंड्स वो हो जाता है टैक्सेबल। कंसल्टेंसी इन सर्विस बाय मिस संचला टू अदर हॉस्पिटल, ये हो जाता है एक तरह का एग्जेम्पशन, मेडिकल ही हुआ, यानी टेक्निकली क्या पूछा उसने, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल, तो क्या एग्जेम्प्ट, तो एग्जेम्प्ट हो गया 2, एग्जेम्प्ट हो गया 4। ओके सो सी मेजोरिटी क्वेश्चंस हम सीधे कर पाए बेस्ड ऑन अवर नॉलेज, बट ये 2-3 वर्किंग बाकी है अपने, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, रिवोकेशन ऑफ कैंसलेशन एंड वैल्यू ऑफ कैंटीन सर्विसेज। नाउ वी विल गो टू क्वेश्चन। सी अवेल्ड इंटीरियर डेकोरेशन सर्विस फ्रॉम हर स्पाउस विदाउट एनी कंसीडरेशन बीइंग पेड
शी ऑल्सो अवेल आई टी रिलेटेड सर्विस फ्रॉम अवर सिस्टर इन लॉ विदाउट एनी कंसिडरेशन बोथ सर्विस वेयर पर्पज ऑफ प्रोफेशन। तो देखो प्रोफेशन के लिए होगा तो रिलेटिव की डेफिनेशन में वाइफ आ जाएगी, ओके, सो दैट इज द रीजन। एंड मिस चंचला प्रोवाइडेड ट्रीटमेंट टू वेरियस डिजीज इन हर हॉस्पिटल अपार्ट फ्रॉम ऑल्सो शी इज प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विस प्लास्टिक सर्जरी टैक्सेबल एम्बुलेंस सर्विस एग्जेम्प्ट रेंटिंग ऑफ स्पेस टैक्सेबल शी इज ऑल्सो ए कंसल्टेंट इन अदर हॉस्पिटल एंड रिसीव 40 लैक्स फी दिस इज एग्जेम्प्ट बिकॉज डॉक्टर योग ही बोलो। Further, she also provides canteen facility and received 55,000 from inpatient. See, this 55,000 from inpatient is exempt. 35,000 from patient who are not admitted and 25,000 from visitor. So, dear friends, this 35,000 and 25,000 is taxable. The question was, how much value of tax is left? You understand the flow? That paragraph wise question is asked, dear students. So, what do you have to keep in mind? This 60. फिर वो ऐसा बोल रहा है, सी एज फाइल्ड 3B फॉर द मंथ ऑफ जून विद सम एरर्स, सी फाइल्ड एनुअल रिटर्न 31 अक्टूबर को भर दिया इन नेक्स्ट ईयर वेयर एज ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न इज 31 दिसंबर, यानी हमारे लिए तो एनुअल रिटर्न की डेट क्या हो गई 31 अक्टूबर, या फिर सितंबर का रिटर्न हम कब तक भरते हैं 20 अक्टूबर, इन दोनों में से विचर इज अर्लियर, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 20 अक्टूबर, तब तक हम रेक्टिफाई करते हैं उसके बाद नहीं, वो एक क्वेश्चन था। ये आएगा फिर 4.4 में 20th अक्टूबर ऑफ नेक्स्ट ईयर, इज इट ओके। फिर अभी भी ये रिवोकेशन वाला क्वेश्चन बाकी, वो आया ही नहीं अभी तक। Now, proper officer of the department cancelled the registration certificate of Ms. Chanchala Suomoto on 31st July. Order of cancellation was served on 5th August. However, she applied for revocation of same and got her registration certificate revoked. Now, हमें 30 days के अंदर apply करना पड़ेगा। तो 30 डेज कब से? ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन से। ऑर्डर ऑफ कैंसलेशन 5th अगस्त है, 30 डेज आप ऐड करो तो अगस्त में कितने दिन होते हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त में 31 डे होते हैं, तो 5th से 5th नहीं रखते और अगस्त के बाद सितंबर आएगा, तो 4 सितंबर विल बी द ड्यू डेट। तो 4 सितंबर, इज इट ओके? समझ में आ रहा है डियर फ्रेंड्स कैसे करना है? आप आपके तरीके से कर सकते हो, आई एम नॉट टेलिंग लाइक दैट यू हैव टू फॉलो व्हाट आई एम टेलिंग, बट आई एम जस्ट गाइडिंग। के कई बार क्या होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ते हो ना फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अभी इसमें से मैं क्या याद रहा, मुझे फिर से पढ़ना पड़ेगा, तो दो बार यूं भी पढ़ना है, तो बेटर क्या है आप पहले एमसीक्यू देख लो, उसमें से एक दो ऐसे होंगे जो आप सीधे लिख सकते हो, तीन जिसका वर्किंग है तो वो आपका फोकस कर लेगा माइंड कि व्हेन आई एम रीडिंग क्वेश्चन आई हैव टू फोकस ऑन दीस थ्री थिंग्स बिकॉज़ दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। चलो इसमें कोई कंफ्यूजन है ये वाले क्वेश्चन में, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। टेल मी, एनीवन एनी कंफ्यूजन?
चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेसर्स वेसली एंड कंपनी ए पार्टनरशिप फर्म इज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट इन द स्टेट ऑफ केरला। ओके, सो यू आर मैन्युफैक्चरिंग एंड यू आर मैन्युफैक्चरिंग इन स्टेट ऑफ केरला। तो पहले तो हम क्या देखेंगे, आंसर देखेंगे, यानी व्हाट एवर दे आस्क्ड। फिर आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछा है, तो देखेंगे अगर आपने टाइमली अप्लाई किया है तो बैक डेटेड रजिस्ट्रेशन मिलेगा, टाइमली नहीं किया है तो जिस दिन सर्टिफिकेट होगा उस दिन मिलेगा। एमंग द सर्विस अवेल्ड बाय मिस विशाली एंड कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस आर टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज, इसमें से किसमें रिवर्स चार्ज पे टैक्स लगता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं अगर आपको रिवर्स चार्ज क्लियर है तो। व्हाट इज रिवर्स चार्ज? स्पॉन्सरशिप सर्विस फ्रॉम लेजर ट्रीट बे प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉन्सरशिप क्लियर मीन्स इट इज कमिंग अंडर रिवर्स चार्ज। GTA सर्विस फ्रॉम सेफ लॉजिस्टिक, GTA जो है ना वो ऐसे तो है रिवर्स चार्ज में, बट हम कौन है, पार्टनरशिप फर्म, तो देखना पड़ेगा कि पार्टनरशिप फर्म के लिए वो रूल एप्लीकेबल है कि नहीं। और दूसरा हमें वो भी देखना पड़ेगा कि भाई हम रजिस्टर्ड हुए कि नहीं हुए, वो लिमिट विमिट सब देखेंगे उसके बाद। सिक्योरिटी सर्विस रिसीव फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी, सो ऑल थ्री लुक्स ऑड ओनली, सो RCM आपका एक बार क्लियर करना पड़ेगा इसमें। ओके, फिर आता है डिटरमाइन अगेन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर सेक्शन 15(1), यानी 15(1) यानी वैल्यूएशन। ओके, वैल्यूएशन करके हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कैलकुलेशन करना है। वो परसेंटेज की तो बात ही नहीं कर रहा, वो आपको खाली पूछ रहा है कि इस पर टैक्स लगेगा कि नहीं। ओके, सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर सेक्शन 15(1) ऑफ CGST एक्ट 2017 और मेड अंडर मेसर्स वेसली एंड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। तो ये प्रैक्टिकल हो गया, सम हो गया। कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय द फर्म फॉर द क्वार्टर एंडिंग सितंबर, यानी सितंबर का होगा उसमें आपको टैक्स लायबिलिटी और ITC दोनों देखना पड़ेगा। कंप्यूट द इंटरेस्ट पेएबल बाय द फर्म फॉर बिलेटेड पेमेंट ऑफ टैक्स, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट का रेट भी याद रखना पड़ेगा। आपको याद है डियर फ्रेंड्स क्या होता है इंटरेस्ट का रेट? चलो अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्या होता है इंटरेस्ट का रेट? ATN%, वेरी गुड। वो देंगे नहीं है, मैंने आपको बार बार बोला है वो आपको देंगे नहीं। चलो नाउ लेट्स रीड द क्वेश्चन। मैसर्स विशाली एंड कंपनी इज पार्टनरशिप फर्म एंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इक्विपमेंट, द फर्म इज लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन ऑन 10 जुलाई, इट अप्लाइड ऑन रजिस्ट्रेशन ऑन 10 ऑगस्ट एंड वॉज ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बाई 14 ऑगस्ट। सो कैन यू से यू हैव अप्लाइड विद इन 30 डेज? बहुत टेक्निकल आया ये तो, क्या हम ऐसा बोल सकते हो आपने 30 डेज में अप्लाई किया? जुलाई में कितने दिन होते हैं पता है आपको? जुलाई में 31 डे होते हैं, 30 डेज नहीं होते, यानी 10 से 10 30 गिनोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, 9 अगस्त को खत्म हो जाता है, एक दिन डिले किया लिया था। देखो लेवल, देखो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू ऑल, सो इट इज नॉट विद इन अ टाइम फ्रेम। तो सर्टिफिकेट आपको 14 अगस्त को मिला, तो एक क्वेश्चन तो आपका ऐसा ही था कि रजिस्ट्रेशन की इफेक्टिव डेट कौन सी है, तो व्हाट विल बी योर आंसर? उसमें 14 अगस्त, ओके, सर्टिफिकेट डेट। देन फर्म रिसीव्ड अ स्पॉन्सरशिप सर्विस लेजर ट्रीट बे फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस एक्सपो, द रिसीव्ड इट रिसीव्ड अ कंसाइनमेंट फ्रॉम सेफ लॉजिस्टिक ऑफ ए GTA हु चार्ज 6% फॉर CGST एंड SGST ऑफ इट सर्विस। डियर फ्रेंड्स, सेफ लॉजिस्टिक वाले ने भी लगाया बट 6% ईच ऑफ CGST एंड 6% ऑफ SGST, उसका मतलब पता चलता है उसने 12% लगाया। डियर फ्रेंड्स, 12% जब आप टैक्स लगाते हो वो रिवर्स चार्ज नहीं होता,
आपको पता होना चाहिए वो फॉरवर्ड चार्ज होता है। ये पता चला जो मैं बोल रहा हूँ वो सेफ लॉजिस्टिक का क्लियर हुआ, सेफ लॉजिस्टिक ने बिल 12% का लगाया, यानी वो फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स लेगा तो हम उस पर रिवर्स चार्ज पे नहीं लगाएंगे। इज इट ओके? समझ में आया एवरीवन? ओके, सो नाउ सी, फर्स्ट वन स्पॉन्सरशिप है, वो तो लेजर वाला आरसीएम में आता है। दूसरा वाला भी आरसीएम में था, दूसरा वाला भी आरसीएम में था, लेकिन वो 12% में। इट हैज आल्सो रिसीव्ड सिक्योरिटी सर्विस फ्रॉम प्रॉम्प्ट सिक्योरिटी एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड। ओके, तो सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड से। नाउ दिस इज अगेन रियली टफ थिंग, ना तो बच्चों को पता चलता है तो बहुत आगे चले जाए। जस्ट गिव मी वन सेकेंड, आई जस्ट वॉन्ट टू रीकनेक्ट। थोड़ा आपको डिटेल में लेकर कर बताता हूँ वरना याद नहीं रहेगा। ये अभी जो हमने देखा 12% वाला, बराबर, तो दैट इज फॉरवर्ड चार्ज। ये सिक्योरिटी सर्विस की बात कर रहे थे आरसीएम में। हम कौन थे क्वेश्चन में आपको बताएं? वी वेर पार्टनरशिप फर्म, डियर फ्रेंड्स, वी वेर पार्टनरशिप फर्म। ये हेडिंग आपको अगर याद नहीं है तो एक बार रिकॉल करवा देता हूं। द फर्स्ट हेडिंग इज, ये सब सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है और रिसिपिएंट कौन है। ओके, सप्लायर ऑफ सर्विस कौन है और रिसिपिएंट कौन है। सो सप्लायर कौन है? एनी पर्सन हु इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। Supplier is someone who is other than body corporate. इसका मतलब क्या होगा? If it is a body corporate, means it is a company, तो उसको forward charge में ही जाना है। Okay, उसको forward charge में ही जाना है। So coming back to our question, हमने जिसकी सिक्योरिटी सर्विस दी है वो तो प्राइवेट लिमिटेड है। So if it is private limited, he will again go under forward charge. Will again go under forward charge. यानी तीन में से dear friends बचा सिर्फ एक। थे तीनों के तीनों RCM, I am repeating. So good question. तो ये भी था, लेकिन इसको उन्होंने shift किया forward में rate की वजह से, okay? और इसको इन्होंने shift किया forward में corporate entity की वजह से। तो फिर बचा कौन? I hope I am making sense. It's not about looking the answer and learning. आप आंसर देख के करोगे तो आगे बढ़ना डिफिकल्ट है। ओके, पहला वाला क्वेश्चन 14 अगस्त था। अब क्वेश्चन था उसका वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अंडर सेक्शन 15(1) फॉर अक्टूबर। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। एक एक पैराग्राफ में क्वेश्चन देते हैं वो। So they're telling that firm has opted for a composition levy and its turnover of the quarter ending September is 14 lakhs. ये अलग हो गया, equipment वाला नहीं है, but कोई बात नहीं, turnover 14 lakhs है. Out of which the taxable supply amounted 10 lakhs and exempt supply amounted 4 lakhs. Dear friend, highly technical question. Composition levy और composition levy में manufacturing, composition levy और composition levy में manufacture. आई होप यू कैन रिमेंबर द चार्ट जिसमें मैं आपको बताता था कि बहुत कन्फ्यूजिंग होता है, आप ध्यान नहीं रखोगे तो। मैन्युफैक्चर और सप्लायर के बीच में डिफरेंस है। ओके, मैन्युफैक्चरर और सप्लायर के बीच में डिफरेंस है। सो दिस मैन्युफैक्चरर्स कम्स ओवर हियर, उसका 1% है, लेकिन वहाँ पे टर्नओवर है। बट जैसे ही सप्लायर आता है, मैंने आपको बोला था वहां पे टैक्सेबल टर्नओवर है, याद आ रहा है ऐसा कुछ आपको? ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे टर्नओवर है और यहाँ पे टैक्सेबल टर्नओवर है। सो अभी हम मैन्युफैक्चरर है, और मैन्युफैक्चरर अगर हम हैं, जो ऊपर से आपको याद रखना है, यानी सी लेवल इज नॉट दैट सिंपल, आई कीप ऑन सेइंग। सो मैन्युफैक्चरर हम हैं तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बोल रहा है कि 10 लाख टैक्सेबल है
और 4 लाख एग्जेम्प्ट है, बट हमें तो टोटल टर्नओवर पे 1% भरना है। सो टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर। 1% ऑफ 14 लैक्स विल बी 14,000 और कंपोजिशन यानी 7,000 CGST और 7,000 SGST। इज इट ओके? सो दिस विल बी योर आंसर। देन सेकेंड पोर्शन इज द फर्म मेड ए सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12 लैक्स। ओके, फर्म हैज मेड सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट्स टू एन अनरिलेटेड लिमिटेड कंपनी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर हैविंग मार्केट वैल्यू ऑफ 12 लैक्स, होलसेल वैल्यू इज 13 लैक्स एंड मैक्सिमम रिटेल प्राइस इज 14 लैक्स। डियर फ्रेंड देखो, 3-4 आपने उसका एग्जाम्पल दे दिए, बट हमने बिल कितने का बनाया लिया, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या थी? 11 लाख। अब ध्यान से देखो, हम जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं, वैल्यूएशन पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हर जगह पे ट्रांजेक्शन वैल्यू का कॉन्सेप्ट है। तो मार्केट में तो कोई भी चीज़ हो सकती है लिए, कोई ऐसी चीज़ होती है कि हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लेकिन ट्रांजेक्शन वैल्यू हमें देखने का, ट्रांजेक्शन वैल्यू क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट। ट्रांजेक्शन वैल्यू अगर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही इंपॉर्टेंट है, सो इट इज 11 लैक्स। तो कहीं पे भी आप जाओगे तो वही वैल्यू होती है हर जगह पे। टैक्स पेएबल फॉर द क्वार्टर एंडिंग ऑफ सितंबर इज 7,000 ईच, यानी CGST और SGST। अब इंटरेस्ट का आएगा कैलकुलेशन, आप लोग मुझे करके दिखाना। फर्म रिलेटेड पेड टैक्स अमाउंटिंग 40,000 फॉर द क्वार्टर एंडिंग डिसंबर ऑन 9th February ऑफ सक्सीडिंग ईयर। ओके, यानी डिसंबर का हमने टैक्स 9 February को भरा। ऑल द अमाउंट गिवन आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन टू चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो कैसे क्या मल्टीप्लाई करूँगा आप लोग बताना। 40,000 इंटू 18% इंटू व्हाट? Tell me.
18th इज ड्यू डेट, वेरी गुड। दिस इज मोर इंटरेस्टिंग क्योंकि हम है ना क्वार्टरली रिटर्न में, डियर फ्रेंड्स क्वार्टरली रिटर्न की 28th डेट नहीं होती, 18th जैन होती। एंड व्हाट इज योर आंसर व्हेन यू मल्टीप्लाई लाइक दिस, आई डोंट हैव कैलकुलेट, 40,000 इनटू 18% और 22/365, ओके 434। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्वार्टरली रिटर्न जो होता है वो 18th को भरते हैं, तो डिसंबर के बाद 18th जैन इज अ ड्यू डेट, ड्यू डेट से एक्चुअल डेट दैट इज 9th फरवरी, इसके बीच का जो गैप है दैट डेज यू हैव टू टेक, सो दैट इज नियरेस्ट आंसर, करेक्ट। ओके चलो, एनीवन एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ये स्टूडेंट्स इज इट ओके, किसी को कुछ डाउट है? आपका दूसरा लेक्चर 5 बजे से कितने बजे तक है? मुझे अभी ये थोड़ा स्टॉप करना पड़ेगा, एक दो अर्जेंट कॉल आ रहे हैं, पता नहीं। सो व्हेन इज योर अनदर सेशन एंडिंग 5 to what? मैं आपका टाइम टेबल देखता हूँ, अभी 5 to 8 है, सुबह से लेक्चर भर रहे थे कि दोपहर से ही भर रहे थे? ये रात को भी सेशन है तुम लोगों के 9:20 to 10:30 ऑनलाइन सर के? पढ़ रहे तुम लोग ओके, तो कल सुबह जैसा कर है, सी कल मैं वापस लेता हूँ ये सुन, दोपहर को तुम्हारा 2 बजे खत्म हो, उसके बाद 2:30 to 4:30 देना, ओके? सो आई विल ऐड माय सेशन फॉर टुमारो आल्सो, सैटरडे आल्सो, एंड देन वी विल कंटिन्यू, जो भी बाकी है वो सब लेते हैं, अभी थोड़ा ब्रेक देना पड़ेगा ऐसा लगता है, आई हैव गॉट 4-5